रिया चक्रवर्ती पर केस दर्ज। कंगना रनौत ने किया इस बात पर रिएक्ट, कहा कि अब होगी पूरी तरह से इस केस में जांच। कंगना ने रिया के जरिए महेश भट्ट पर भी साधा निशाना। आइए जानते हैं कि आखिर क्या कहा कंगना रनौत ने। सुशांत सिंह राजपूत केस में उनके पिता के सिंह ने एक्टर की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR की है। सुशांत के पिता ने पटना में स्थित राजीव नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रिया ने सुशांत से पैसे लिए और उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। मालूम हो कि सुशांत की मौत से पहले रिया उनके साथ कुछ वक्त तक रिलेशनशिप में थी। सुशांत के पिता द्वारा उठाए गए इस कदम के थोड़ी ही देर बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत का भी इस मामले में बयान आ गया है। कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक पत्रकार के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अपनी बात कही है। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, रिया पिछले 6 महीने से सुशांत के साथ थी। उसने महेश भट्ट को सुशांत के मनोचिकित्सक के तौर पर हायर किया था और उनके मौत के 2 दिन पहले सब मिस्टीरियसली गायब हो गए। खुशी है कि अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, टीम कंगना रनौत ने सुहृता दास के एक लेटर को भी शेयर कर उन्हें महेश भट्ट का चमचा बताया। कंगना रनौत ने लिखा, ये यहाँ महेश भट्ट के चमचों की उन्हें ग्लोरीफाई करने की एक और नाकाम कोशिश। क्या रिया ने कभी इतनी घबराहट में सुशांत के पिता को कॉल किया? इस लेटर के मुताबिक महेश उनसे अक्सर मिलने जाया करते थे, तो क्या ये एसोसिएट तब झूठ बोल रही थी या महेश भट्ट अब झूठ बोल रहे हैं? कंगना ने आगे लिखा, सुशांत के खाते से 15 करोड़ गायब है और महेश भट्ट ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि रिया उसे अपना गुरु मानती है। कोई आश्चर्य नहीं कि फ्रॉडगिरी को सीखा नहीं गया है, ये प्रेषित है। बता दे कि कंगना रनौत सुशांत सिंह राजपूत मामले में शुरुआत से ही खुलकर अपनी राय रख रही है। ऐसे में अब सुशांत के पिता की ओर से उठाए गए इस कदम के बाद से केस में अब और बारीकी से जांच होगी। बता दे कि रिया पर प्यार में सुशांत को फंसाकर उसके पैसे निकालने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पटना से 4 पुलिस वालों की टीम मुंबई पहुंच गई है। मुकदमा में IPC की 406, 420, 341, 323, 342 धाराएं लगी है। अब कंगना तो इस बात से बेहद खुश है कि फाइनली इस केस में अब पूरी तरह से जांच की जाएगी। अब देखना होगा कि ये केस अब कौन सा नया मोड लेता है। आप हमें बताएं इस बारे में आपका क्या कहना है। क्या आप भी सहमत हैं कंगना रनौत के इन बयानों से? क्या आपको भी लगता है कि रिया गलत है? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन Facebook, Instagram एंड YouTube।